अस्सलाम वालेकुम। मैं इस ख़बर के साथ के लॉकडाउन में नरमी के साथ साथ बीमारों की और अमवात की तादाद में पाकिस्तान में इजाफा होने लगा। ये हर जगह हुआ है, जहाँ प्रीमेच्योर लॉकडाउन नरम किया गया, रिलैक्स किया गया, वहाँ ये वाक़ात हुए हैं, रुनमा हुए हैं, और उसके यकीन हुकूमत को अंदाज़ा था। उसके बावजूद ये लॉकडाउन नरम किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो चंद उमूर हैं वो ख़ासा इम्पोर्टेंट हैं कि जो पिछली मीटिंग थी उसमें फैसला हुआ था कि छोटे बाज़ार खोल दिए जाएंगे, छोटी मुकामी यानी इलाकाई मार्केटें वो खोल दी जाएंगी, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के जो बिज़नेस है, इलेक्ट्रिक का सामान है, स्टील का सामान है, दीगर पेंटर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, राजमिस्त्री हैं, ये भी काम शुरू कर देंगे, इनकी दुकानें भी काम शुरू कर देंगी, और ये कि इनके साथ कोई तारुज नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय हुआ था कि जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, जो बड़े प्लाजा हैं, जो बड़ी मार्केटें हैं, अदर बिजनेस इंक्लूडिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद रहेंगे। और जैसा कि दफातर के बारे में वही सूरत हाल थी कि 9 मई को जो दफातर बंद थे वो अब भी बंद है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इसका इतलाक, नरमी का इतलाक हफ्ते से होगा, लेकिन सिंध ने और पंजाब ने और दीगर बलूचिस्तान ने इसका ऐलान पीर से इसका इतलाक करने का फैसला किया है, क्योंकि हफ्ता इतवार को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बिल्कुल लॉकडाउन रहेगा। तो अब जो नरमी है वो ये है कि हफ्ते में पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा काम होगा और हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। लेकिन सिंध ने कहा कि हमें बात तस्लीम, हम इसे भी आगे जाने को तैयार हैं। पंजाब ने इस पर एतराज़ कर दिया है, और पंजाब का एतराज़ ये है, बल्कि फैसला ये है कि हम चार दिन काम करेंगे, 3 दिन लॉकडाउन करेंगे। यही फैसला दूसरे सूबों का भी है, और उनका फैसला ये है कि बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, और साथ साथ ये भी पंजाब ने कहा है कि उनके 6 बड़े शहरों को लॉकडाउन में रखा जाए, जिनमें लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पिंडी वगैरह शामिल है। मेरा ख्याल ये बहुत अहम तजावीज़ हैं, पंजाब की तरफ से आने वाली अहम तजावीज़ हैं, और सिंध को इनको फॉलो करना चाहिए। एक वक्त ही था कि सिंध को दूसरे फॉलो करते थे, अब बेहतर ये है कि सिंध जवाब दे इस खैर सगाली का। और जो पंजाब ने फार्मूला दिया है कि 6 बड़े शहर लॉकडाउन में रहेंगे और बाकी शहरों में, देहात में दुकानें खुलेंगी और काम जाम होता रहेगा, उसके साथ साथ प्लाजा बंद रहेंगे, शॉपिंग प्लाजा बंद रहेंगे। सिंध ने काम ये किया है कि ताजरों से बात की है और एक रिक्वेस्ट भेजी है प्राइम मिनिस्टर को शॉपिंग प्लाजा के बारे में और मॉल्स के बारे में कि इनको भी खोल दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब ने जो फार्मूला दिया है वो ज़्यादा बेहतर है, उस पर अमल करें। ईद के कितने दिन रह गए हैं, अब कितनी दुकानदारी कर लेंगे लोग, देखने का मसला यही है। कोरोना की सूरत हाल बता दूँ मैं आपको, कराची में मैं जिस वक्त बात कर रहा हूँ आपसे, उस वक्त जहाँ मरीज़ों की तादाद 8,000 हो गई, 8,000 सिर्फ कराची के अंदर। 2.5 करोड़ का शहर है, 3 करोड़ का शहर है, अब 8,000 अगर हैं तो ज़्यादा उसकी बात भी नहीं है। लेकिन गौर ही करना होगा कि जब नरमी शुरू हो जाएगी मंडे से तो फिर क्या होगा। उसके अलावा ये कि सिंध का एक इलाका है पीरजोगोट, पीर साहब पगारा का गांव है, टाउन है, वहाँ छोटे से टाउन के अंदर 246 पॉजिटिव, ये रैंडम टेस्ट है। कराची में जो टेस्ट हुए वो दुकानदारों के हुए, ख़रीदारों के हुए, और उनमें पॉजिटिव निकले। पाकिस्तान में डेथ रेट बढ़ रहा है, भारत से ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान का डेथ रेट 2.1 है, भारत का डेथ रेट 1.0 है। इसके साथ साथ ये भी, लेकिन एक अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह कि पाकिस्तान ने जो रिलीफ दिया, जो पैकेजेस दिए हैं, वो पैकेजेस और वो रिलीफ भारत के मुकाबले में बेहतर है। भारत में 1,25,00,000 अफराद दर बदर हैं, और भारत में
जो रिलीफ पैकेज है वो भी लोगों तक अगर पहुंच पा रहा है तो हो सकता है पहुंच रहा हो, लेकिन 1,25,00,000 अफराद मुख्तलिफ शहरों से निकल कर अपने गाँव देहात जा रहे हैं क्योंकि उनकी शहरों में नौकरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम ये मरहला कोरोना के पहले 2 हफ्तों में पार कर चुके थे जब कराची के रेलवे स्टेशन के ऊपर हज़ारों अफराद का मजमा था और मुख्तलिफ ट्रेन चलाई गई थी। अब सूरत हाल ये है कि डेथ रेट में इजाफा ख़तरनाक है, KPK में डेथ रेट में इजाफा ज़्यादा ख़तरनाक है। KPK की टेस्टिंग कम है, बलूचिस्तान में टेस्टिंग कम है, पंजाब और सिंध टेस्टिंग अच्छी कर रहे हैं और लेकिन अभी उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं जिसका जफर मिर्ज़ा साहब ने वादा किया था। एक और सूरत हाल जो बनने जा रही है वो ये है कि सियासी तलखी, सियासी तासुब में जन्म तब्दील हो रही है। सिंध के जो फिगर है लोगों के हलाक होने वालों की, जहाँ पाक होने वालों की और मरीजों की, उसको PTI के खुर्रम शेर जमान ने जाली करार दिया है। अब ये रवैया अगर सब पार्टियों ने इख्तियार कर लिया, कोई पंजाब को जाली कहेगा, कोई KPK को जाली कह देगा, कोई बलूचिस्तान को जाली कहेगा, कोई कश्मीर को, कोई गिलगित को, बल्तिस्तान को जाली कहेगा, ये एक इंतहाई नामकबूल बात है और ये किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फिगर्स जो हैं ये हुकूमत की तरफ से नहीं आते बल्कि ये अस्पतालों से आते हैं। अगर आप अस्पतालों को जाली कह रहे हैं तो आपको अल्लाह ताला से और तौबा करनी चाहिए क्योंकि ये वो अस्पताल हैं जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं और ये वो खैराती अस्पताल हैं जो उन मरीज़ों को अभी इलाज कर रहे हैं जिनके पास टका नहीं है, पैसा नहीं है। ये इस सूरत हाल को देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने आज भी एक मीटिंग की है और डेथ रेट पर भी बात की है, कोरोना वायरस में इजाफे हुए बात की है, इस बात पर तसल्ली का इजहार किया है कि पाकिस्तान नस्बतन कम मुतासर हुआ है। हमें तसल्ली ये भी करनी चाहिए कि जनूबी एशिया नस्बतन कम मुतासर हुआ है और साथ ही साथ ये भी कि हम इसको और भी कम कर सकते हैं अगर हम लॉकडाउन को मौसर बना लें, इतनी नरमियाँ ना करें कि वो नरमी हलाकत का सबब बन जाए। लोग अभी भी मर रहे हैं, किसी को यकीन नहीं है तो जाके कब्रिस्तान देख लें और लोग अभी भी मरीज़ तो हैं ना। अगर खुर्रम शेर-ए-ज़मान कहते हैं कि मरीज़ नहीं है तो उनके गवर्नर साहब ख़ुद मरीज़ हैं, वज़रा वज़ीर हैं असद कैसर साहब स्पीकर PTI के, वो कोरोना के शिकार हैं। बार ये एक सियासी बात है, इसको सियासत तक छोड़ दें और इसको सियासी रहने दें। पाकिस्तान को चाहिए कि वो WHO की हिदायत पे अमल करें, उसे इनराफ ना करें, लेकिन अगर इनराफ रहे तो फिर जिम्मेदारी भी हुकूमत अपने सर पर ले। हालात NBC टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स दीजिए।